दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग टाटा मोटर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इसमें इस शेयर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न दिया है, नो डाउट। अभी इसमें फिर से एक करेक्शन आ रहा है एंड हमें फिर से बाई करने का एक मौका मिल सकता है सस्ते दामों पे। हो सकता है 400 लेवल के पे बहुत से लोगों ने बाई किया हो एंड और मुझे लग रहा है ये नीचे आ सकता है, जैसा मार्केट का सिनारियो है अभी और जिस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम पे ये कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नोट करेंगे तो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे इसने सपोर्ट दी यहाँ पे इसने एक तरह का सपोर्ट लिया है। ठीक है, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर यही इसी लेवल से गया था एंड फिर से देखेंगे ये जो कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है अभी इस कैंडल को ब्रेक करता है कि नहीं। दूसरा जो सपोर्ट हमारे पास है, सपोर्ट का लेवल ये यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इसने ये पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, ये जो लेवल है पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था तो अभी यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली तो ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे एंड दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल जो है यहाँ पे वो ये निकल के आ रहा है, ये लगभग लगभग 282 से 262 का लेवल। ठीक है, तो ये तीन इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये जो लेवल है, ठीक है, 360 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, यहीं से इसे यू टर्न लेना चाहिए। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि लास्ट वीक इसने यहीं से यू टर्न लिया था, अभी इनसाइड कैंडल बनाया और नीचे की ओर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो नीचे की ओर जब इसने क्लोजिंग दिया है तो अगर ये इस लेवल से 400 के लेवल से अगर यू टर्न नहीं लेता है, और यू टर्न कैसे लेगा उसकी हम बातें करेंगे ऊपर। अगर मान लीजिए ये ओपन होता है 425 के पास एंड फिर से वीक बना के नीचे की ओर आके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 400 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो आने वाले समय में हमें इसमें 362 का लेवल मिलेगा और फिर से हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करके ये ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है, एक केस ये हो गया जो कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है इसी इसी लेवल से 400 के लेवल से ही वापस ऊपर की ओर निकल जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बाई करेंगे इसमें, जो श्योर बाई करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर चला गया था। ठीक है, बहुत ऊपर निकल गया था और इसमें इस लेवल पे इसने बहुत बार कोशिश किया इस 525 को ब्रेक करने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद सेल ये बीयर्स के हाथ में चला गया शेयर और अभी इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 1 2 3 यहाँ पे 4 5 बार इसने कोशिश किया है ब्रेक करने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो यहाँ पे लेवल था, ठीक है, ये यहाँ पे जो इसने रेंज फॉर्म करके रखा था वो लगभग लगभग 550 से लेके 450 का रेंज था, तो 100 पॉइंट का अगर ये 100 पॉइंट का अगर इसे रेंज मान लिया जाए तो यहाँ से जो हमें नीचे की ओर जो लेवल निकल के आ रहा है 450 से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 350 का लेवल आ रहा है, तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो यही यहाँ पे, ठीक है, यही एज अ सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अच्छा है अगर यहाँ से यू टर्न लेता है तो और चीप में हमें मिलेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे यहाँ पे जो लास्ट स्विंग लगाएगा उस लगा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे मैं चला जाऊँगा और डेली टाइम फ्रेम पे हम एक चीज़ नोट करेंगे, जब भी ये शेयर ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर के बाद तो किस तरीके से निकलता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न होगा ये नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आएगा और फिर से इसी हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद ये शेयर यहाँ से धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सेम अगर बात करें यहाँ पे जिस जिस जगह पे ये खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये नीचे आता है और कहीं पे भी हमें यहाँ पे मान लीजिए यहीं से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, फिर से थोड़ा नीचे आके फिर से इसे ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लेंगे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन होगी, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाकी जब ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये ब्रेक करेगा धीरे धीरे तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पहला सिनारियो ये हो गया, दूसरा सिनारियो ये अगर ये यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे आके इसको ब्रेक कर देता है धीरे धीरे यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो हमारा 50% क्वांटिटी चला जाना चाहिए, जब फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो और हमारा क्वांटिटी चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख के बाद में ट्रेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कर दीजिएगा चैनल, और मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।